हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो बेटा आप सब लोग? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो जैसा कि आप सबको पता ही है, कमेंट बॉक्स हमारे चलते रहते हैं और रेगुलरली बेसिस पर मैं कमेंट बॉक्स डालती रहती हूँ ताकि कोई भी बच्चा किसी भी जवाब से वंचित ना रह पाए। तो आज के कमेंट बॉक्स में जवाब देना स्टार्ट करती हूँ मैं। क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट इज़ मैम प्लीज़ बताओ PRSA का मतलब बता दो, वीडियो में समझ नहीं आया। बेटा देखो, PRSA हो गया, डिस्प्यूट हो गया, इसके बाद RLE हो गया, RLA हो गया, इन सब का मतलब ये होता है कि आपकी चेकिंग में, आपके डॉक्यूमेंट्स में या आपकी प्रीवियस जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी पाई गई है, जिस वजह से आपका एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो नहीं आ पाया है। ठीक है, वो डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको जो भी आपके मतलब शेड्यूल में, आपके डॉक्यूमेंट में जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी, आपको बताई जाएगी या फिर आपको बोर्ड बुलाया जाएगा। तो ऐसी कोई जो चीज़ होगी वो जल्द ही हो जाएगी और आप लोगों को आराम से सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर दी जाएंगी। ठीक है बेटा, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट जो है HOS वालों का तो होगा ना सितंबर में। हाँ जी, HOS वालों का सितंबर में एग्ज़ाम होगा, रेगुलर वालों का नहीं होगा। ठीक है मोहित मैम, मेरी आज एक टीचर से बात हुई, वो बोल रहे हैं कि डिस्प्यूट वालों का एग्ज़ाम दोबारा होंगे, प्लीज़ मैम कोई सॉल्यूशन दे दो, एडमिशन भी नहीं हो रहा है। देखो बेटा, डिस्प्यूट का ये नहीं है कि दोबारा होंगे, ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये है कि वो बच्चे जिनका केस वगैरह बना हुआ होता है, हालांकि उनको भी चांस दिया जाता है, जैसे पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था क्योंकि उनके केस वगैरह बने हुए थे तो उनको बोर्ड में बुलाया गया था। और दो चार बच्चे मैंने कमेंट में देखे भी थे, उन्होंने बताया था कि मैम हमसे नॉर्मली क्वेश्चन वगैरह पूछे गए थे और उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था। तो ऐसा नहीं है, सबके साथ ऐसा नहीं होता है, कुछ एक बच्चे होते हैं जिनका लगता है उनको कि दोबारा पेपर इनको देना ही पड़ेगा और ये ऐसे काम नहीं चलेगा क्योंकि ये जो पेपर है इनका, ये तो इन्होंने चीटिंग करके करा था, ये जो भी है उस तरीके से होता है, तो ये चीज़ होती है। अदरवाइज़ मैक्सिमम टाइम यही होता है कि दोबारा पेपर नहीं लिया जाता है, आपके रिजल्ट को ही डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है नेक्स्ट, राहुल कुमार मैम अकाउंटिंग चैप्टर स्टार्ट करिए 11th। हाँ सोचूंगी मैं बेटा इसके बारे में, अदरवाइज़ मैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी अभी फोकस कर रखा है और वो भी आप देखते हो बहुत स्लो स्पीड से मेरी वीडियोज़ आती हैं क्योंकि शेड्यूल नहीं बन पाता है, लेकिन फिर भी मैं एक एक दो दो वीडियो बना रही हूँ, वीकली में बनाती हूँ ताकि ये है कि जब आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम्स आएँ तब तक एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट रेडी हो आप लोगों के लिए और आप आराम से उन चैप्टर्स के बेसिक्स अच्छे से पढ़ पाएँ, क्योंकि मैं जो तरीके से पढ़ाती हूँ वो एकदम फ्रैंक वे होता है, जिस तरीके से मैं खुद पढ़ती थी उसी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि इस तरीके से कोई चीज़ पढ़ी जाए कि वो रट्टा ना लगे, वो समझ आ जाए, ताकि कोई भी इसके बारे में पूछे तो आराम से आप वो चीज़ जो है लिख के बता पाएँ। ठीक है ना, ओके। तो चलिए नेक्स्ट, उसके बाद अगर देखा जाए तो मैम आपके बारे में 40 नंबर के टिक मार्क आएंगे या नहीं? देखो MCQs तो ज़रूर आएंगे, कई बार ऐसा रहता है कि हमेशा ऐसा रहता था कि 20 नंबर के MCQs आते थे और 10 नंबर के कॉम्प्रिहेंशन, ये वो सारी चीज़ें मिला के इस बार 40 नंबर के आए थे। अभी इस अगले साल जो है, मतलब 40 मार्क्स का मैं श्योर नहीं हूँ, बट 30 मार्क्स मिनिमम आप लोगों के MCQs आते ही हैं, तो उसमें आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चे, मैम कंपार्टमेंट का फॉर्म खुद से या बड़े भाई बहन से भी फिल करवा सकते हैं या फिर टीचर से ही फॉर्म फिल करवाना पड़ेगा? नहीं, टीचर से तो नहीं करवाना है, अगर आपके आसपास कैफ़े वाले हैं और वो जानकार हैं, मतलब सही बंदा है, क्योंकि कैफ़े वाले भी बहुत बार गलतियां करते हैं और भाई बहन या हम लोग खुद भी भरते हैं तो बहुत बार मिस्टेक्स हो जाती हैं, कई बार जो फीस है वो वापस आ जाती है, कई बार हमें जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, जीमेल, ये वाली चीज़ें जो हैं वो नहीं मिल पाती हैं, मिसप्लेस हो जाती हैं, तो प्रॉब्लम आती हैं। तो इसलिए एक प्रोफेशनली बंदे से अगर आप करवाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एटलीस्ट बस इसलिए रहता है। मैम मेरा एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है तो अप्रैल वाले कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम के क्वेश्चन दे दीजिए, फिजिक्स के। देखो आपको जो भी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन चाहिए, आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी चैनल पे, आप वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सैम्पल पेपर मिल जाएगा, सब कुछ की मैंने वीडियोस बना रखी हैं, तो आपको उस प्लेलिस्ट में थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। बहुत सारे 10th और 12th के मैंने एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोज़ बनाई थी जब आप लोगों के भी पेपर हुए थे, ठीक है, तो वहाँ से देखिएगा। CTP के फॉर्म कब आने का चांस है? CTP के फॉर्म अभी नहीं आएंगे, आप लोगों को एग्ज़ाम्स मार्च में होंगे बच्चे, तो मार्च में अगर रहने हैं तो आप लोगों को पता ही है जब बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म फिलअप होते हैं आप लोगों के, मतलब बोर्ड की जो लिस्ट जाती है नवंबर अक्टूबर के आसपास, तो उसी टाइम पर होगा। ठीक है ओके मैम, जिनका रिजल्ट PRSA लिखा है उनका कंपार्टमेंट का फॉर्म नहीं भर रहा है, प्लीज़ बता दो। देखो इन आप लोगों का PRSA, डिस्प्यूट, RLE, इन लोगों के जो बच्चे हैं, आप लोगों के नेम्स जो हैं वो दोबारा से लिस्ट आएगी और आप लोगों को अपडेट किया जाएगा और हो ना हो इसी महीने में वो अपडेट आ जाएगी, तो आप लोग परेशान मत होइए, थोड़ा सा वेट कीजिए बस, क्योंकि अभी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, बोर्ड की तरफ से आप लोगों को कोई ना कोई मैसेज ज़रूर आएगा, अपडेट आएगी, तभी आप लोगों का रिजल्ट क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज़ अभी रिजल्ट क्लियर नहीं है। सेट एग्ज़ाम 11th के लिए, 11th के सेट एग्ज़ाम्स बचे आपके, जो सिलेबस अभी तक जब से क्लासेस शुरू हुई हैं अभी तक में जितनी चीज़ें हुई हैं वही चीज़ें आएंगी, तो आपको उन सब्जेक्ट्स के उन चैप्टर्स को कवर करना है बस जो अभी तक आपके हुए हैं। ठीक है मैम, मेरे 10th में 52 मार्क्स हैं, मैं 12th के बाद 10th का पेपर दे सकता हूँ क्या?
हाँ 52 मार्क्स हैं। अगर देखो परसेंटेज इम्प्रूव करवानी है तो दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज 52 मार्क्स हैं तो कोई वो नहीं है। हाँ 52% अगर आप बोल रहे हो, अगर परसेंटेज इम्प्रूव करनी है तो वो फिर आप दे सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद में मैथ के फॉर्म नहीं भरा था वो अब भर जाएगा, और कौन सा फॉर्म भरना है, एडिशनल या रिपेयर का। देखो रिपेयर एडिशनल को छोड़ो, अगर आप लोगों ने एक पेपर में आप फेल हो तो अभी आप लोगों के पास फिर से मौका दिया है बोर्ड ने। अब सितंबर में एग्ज़ाम निकलेगा, जैसे कि अभी जुलाई को 31 जुलाई को पेपर हुआ था वन डे एग्ज़ाम, वैसे ही सितंबर में होगा। तो उसकी फटाफट से प्रिपरेशन पर लग जाओ, उस फॉर्म को फिलअप कर लो, 25 अगस्त लास्ट डेट है, उसके बाद लेट फीस लगना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा, एक वाले जितने भी एक में फेल हैं वो सबके सब दोबारा मौका आया है, फटाफट से फॉर्म भरो और पास हो। ओपन वालों के लिए भी बता दो, हाँ ओपन वालों के लिए भी है ये, ओपन में भी होगा सितंबर में एग्ज़ाम, जैसे अभी 31 जुलाई को ओपन वालों का भी था, रेगुलर वालों का भी था, वैसे नॉर्मल सितंबर में भी ओपन वालों का भी है, रेगुलर वालों का भी, ठीक है। बट कंडीशन इज़ कि आप एक सब्जेक्ट में पास हो, फेल हुए हो। ठीक है मैम, प्लीज़ बता दो PRSA वालों की लिस्ट कब आएगी। इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर आ जाती है, और अभी आप लोगों को एक हफ्ता एटलीस्ट वेट कीजिए, पता लग जाएगा। ठीक है, दो वालों के पेपर कब तक होंगे, आपके पेपर मार्च में होंगे बच्चे, CTP के फॉर्म मार्च में मतलब पेपर होंगे, तो अक्टूबर नवंबर में आप लोगों के फॉर्म्स निकल जाएंगे। ओके, तो आई होप कि मैक्सिमम मैंने जब बच्चों का जवाब दे दिया है, और कोई रह गया हो तो फिर कमेंट कीजिएगा, मैं रिस्पांस दे दूँगी। अदरवाइज़ वीडियोज़ बहुत लंबी हो जाती हैं क्योंकि कमेंट्स बहुत होते हैं, तो मैं फटाफट कोशिश करती हूँ कि आप लोगों का रिस्पांस दे पाऊँ। ठीक है, जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।